तो फिर 2 दिन देखे हम, 16 तारीख को, जब कुछ हमको था पता नहीं चला, तो 16 तारीख को जा करके हमने सोलह वही, कौन सोलह मई जून जुलाई कौन सा सोलह? नहीं 16 क्या कहते हैं, दिसंबर, 16 दिसंबर दो बाईस हजार बाईस 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 हाँ 16 दिसंबर 22 को हमने एथी दिया, क्या FIR किया। मतलब 12 को, 12 मतलब 7-8 महीना लगभग बीत गया हाँ, है बीत गया। और प्रशासन के लोग खोज तक नहीं पाए हैं। अब खोलना उन्हीं को है बउआ, आप लोग भी तो प्रेशर बना ही रहे हैं। 8 महीने से 8 महीने से खोज तक नहीं पाए, नहीं कहाँ खोज पाए, हमको तो कोई खबर नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, या जो है कोई गायब कर दिया है? कुछ सुनने में आया कि चतुर्भुज स्थान पर बेच भी दिया गया है बेटी को। एक एक यहाँ पर जो दो लड़की को पकड़ के ले गया, दो लड़की को पकड़ के जेल में दिया था, एक का नाम था अर्चना कुमारी, दूसरी का नाम था ज्योति, दोस्त थी वो। हाँ, वो आपकी बेटी पोती की दोस्त थी। दोस्त तो हमारा नहीं था, हम लोग नहीं जानते हैं, ना हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन उसने जो रिपोर्ट दिया थाना में, उसमें थाना में जो जो उसका बयान दिया, उसने नहीं दिया बयान, वो जो क्या कहते हैं अर्चना ने जो बयान दिया थाने में, थाने में वो जो जो IS था, IO, उसको जो बयान दिया, उस बयान में सुन बुआ, तो उस बयान में वो दिया कि यहाँ पर क्या कहते हैं यसी आई, तो यसी उस समय नशे में थी, आ तब जो है से थी अर्चना, ज्योति और क्या कहते हैं एक सोनू नाम का लड़का था और एक यश नाम का लड़का, वो चारों यहाँ से भगवानपुर इधर से उसको ले गए, ले गए बैरिया इस यहाँ इस इधर हाँ, और वहाँ से 3 आदमी मतलब कि अर्चना, ज्योति और सोनू उसको ले गए चतुर्भुज स्थान, एक पीला रख हाँ पीला मकान में, हाँ चतुर्भुज स्थान नहीं लिखा है, खैर तो एक पीला मकान था उसके पिछवाए में, पीला मकान मतलब चतुर्भुज में उसी एरिया में, मतलब पता नहीं हमको पीला मकान कौन है ये, हम लोग क्या, अच्छा ठीक है नहीं आप लोग, तो पीला मकान के पीछे जी पीला मकान के पीछे ले जाकर बेच दिया। ये है IO का रिपोर्ट है अर्चना द्वारा बताया, अर्चना ने ये बताया कि पीला स्थान पीला हाँ, घर में ले करके बेच बेच दिया, दिया। हाँ। मतलब अर्चना की रिपोर्ट, पैसा क्या मिला नहीं मिला ये हमको मालूम अच्छा, नहीं है। अच्छा, आप लोग का पहले से दुश्मनी वगैरह भी किसी से कहीं किस बुआ ने किसी से ना बाबू, हम यहाँ के रहने वाले तो थोड़े हैं। अच्छा, बच्ची का भी आप लोगों को बताई थी कुछ वैसा कि मतलब कहीं से किसी से मनमुटाव? वो बच्ची देवता। अच्छा, जिसके साथ वो गई थी, जिसके साथ वो गई थी एग्जाम देने के लिए, मतलब आपकी बेटी या पोती जो कोई, के साथ अकेले गई, अकेले गई यही बगल में तो है तो कौन जाती थी आती थी, अकेले गई हुई थी। अच्छा, ये रिपोर्ट जो आया कि पीला मकान में जाकर, उसके बाद थाना के द्वारा कुछ नहीं किया गया, पीला मकान में कुछ नहीं किया गया, मतलब कहाँ का बउआ? अब तो वही लोग बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपको दुख नहीं हो रहा है कि 8 महीना बीत गया है और तो अभी तक बेटी को जान दे दें? कहिए ना, हम क्या प्राण दे दें? हमारे प्राण देने से मिल जाए तो वो हम करेंगे, तो हम प्राण दे दें? हमको तो नींद नहीं आती है, हम आप लोगों को खड़ा रखे हुए हैं, देखिए हम थर थर कांप रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमको चल नहीं होता है, समझ सकते हैं। आपको लगता है कि प्रशासन नाकाम है इसमें ढूंढने में? देखिए कि चारों तरफ सीसी आधुनिक युग है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा है। एक बात हम आपको बतलाएं, देखिए भाई दो बात हम कहेंगे, पहली बात यह है कि प्रशासन की नाकामी तो है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रशासन बिल्कुल ही खत्म है या बहुत ही भ्रष्ट है, हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। उसमें IAS हैं, उसमें IPS में, उसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे के सारे लोग भ्रष्ट हो जाएंगे ऐसा हम नहीं मानते हैं। निचले तबके की बात है तो हम नहीं कह सकते हैं। दूसरी चीज है कि कोर्ट पर हमको अगाध विश्वास है, अगाध विश्वास है, कोर्ट कोई ना कोई फैसला जो उचित होगा वो हमको देगा। तो अभी जो 2 बच्ची थी जो जेल में थी उसको कोर्ट ने बेल दिया है, हाँ बेल दे दिया है। अच्छा, लेकिन ये सुनते हैं जैसा कि जो सोनू था, वो जो घटना घटी उसमें 3 दिन शायद वो जेल में था या उसको रखा था, आ फिर पता नहीं कैसे उसको बेल दे दिया। मतलब ये संदेह के दायरे में है सोनू? संदेह नहीं हुआ,
उसको कोटो में नहीं गया हाँ। और उसको पहले उसको बेल दे दिया। अच्छा, तब दो लड़के के बाद उसमें ये हुआ है हाँ। मोबाइल तो जब लोग रखती होंगी बच्ची जो थी वो मोबाइल तो ना सब छोड़ गई थी, एग्जाम था ना इसलिए सब छोड़ गई। एक एक चीज है जो जानने की चीज है, उसमें जो जश बाबू का नाम अर्चना ने दिया, हम लोग जश को चाहे मान लीजिए वो क्या कहते हैं सोनू को हम लोग क्या जानते हैं, अर्चना और उसको भी तो नहीं जानते थे। सोनू की भूमिका आपको संदेह लग रही है क्या? सोनू की जो भूमिका हमारे से उसके कहने से लग रही है, उसने जो कहा वहाँ बेच दिया तो संदेह क्या कहते हैं आप? मतलब वो जो कहता है कि ले जा, कहती है अर्चना कि ले जा बेच दिया तो अब हमसे आप संदेह पूछते हैं? संदेह नहीं होगा, आपको भी संदेह, सबको संदेह है, बेच दिया संदेह सबको होगा। लेकिन एक लड़का उसमें जो जस बाबू या जस है आज तक उसका अनुसंधान नहीं हुआ उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, उसके बारे में कुछ पता मतलब संदेह के दायरे में यस और इसके बाद जो है सोनू, ये दो लोग आपको संदेह के दायरे में हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं इनके बीच में जो है यही दोनों, कोई हम दोनों को जानते बिल्कुल नहीं हो। अर्चना का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर हम सब आपको कह रहे हैं अशक होता है, हम कुछ नहीं जानते यस का अनुसंधान नहीं हुआ पुलिस का, यस का अनुसंधान वो तो वही जाने का अगर रहता यस के बारे में, यस के बारे में जो लिखा सो सुनिए, यस के बारे में लिखा कि यस भी साथ में था और वो बैरिया तक गया उसमें यश भी था, इसमें कहा कि वह लड़का साहेबगंज एरिया का है, साहेबगंज एरिया का है, नाम है पिता का सुजय सिंह, लेकिन सुजय सिंह लिखा पिता का नाम है सुजय सिंह, लेकिन गांव ना मालूम, गांव नहीं पता, ना गांव नहीं पता। अच्छा अच्छा, कितने दिन से आप लोग यहाँ रह रहे हैं मुजफ्फरपुर में इस जगह पे यहाँ? अरे भाई हम मतलब हम बताते हैं यहाँ तो एकानवे में तो हर मकान ही बना। अच्छा तो इसका सुनिए ना, और करीब 68 में हमारी बहाली हुई, हम प्रोफेसर थे साहेबगंज में, और 8 साल हम लास्ट में प्रिंसिपल भी थे, इसके बाद हम बीच में बक्सी के लिए प्रिंसिपल हो गए थे, यहाँ जब बक्सी है कॉलेज है उसमें साल भर के लिए प्रिंसिपल हो गए थे। इतने लंबे टाइम में हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि कोई और ऐसा घटना सुने थे क्या, कहीं नहीं सुन सके? आप लोग सब भले आदमी है, सब जानते हैं, आप लोगों को तो हमसे ज्यादा आपकी पैनी नजर होगी, हम कहते हैं हमको आपसे कहते हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं। अच्छा, और इस तरह के दुश्मनी की हमारा बेटा बेटी को मारे पीटे कर ले ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मान लीजिए हम तो कॉलेज में आप प्रोफेसर पद से रिटायर्ड थे, प्रिंसिपल की प्रोफेसर प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड थे आप, और लड़की के फादर क्या करते थे? इंजीनियर है। तो पारिवारिक आप लोग, जैसे पुलिस कितना भी जांच करता है घर का कोई सदस्य गायब रहता है तो परिवार भी अपने स्तर से जांच करता है, आप लोग जांच किए थे तो कुछ नहीं मिला, कहीं से कोई सुराग नहीं मिला? नहीं कुछ हमारा जांच में की है, एक हम है, हमारी पत्नी जो हुआ था ये क्या कोरोना वाला उसमें जो बीमार पे थे दिल्ली में जा कर के रही 2 महीना, तो अब किसी नीचे नहीं आ पाती है, हम उसके पहले से बीमार थे 3 साल, इसके बाद इलाज उलाज करा करके हम अब किसी तरह से आपके पास आए हुए हैं, चल रहे हैं। तो हम दोनों प्राणी रहते हैं, हमारी एक बेटी रहती है, वह नतनी रहती थी, एक नाती रहता है, बस इतना ही लोग यहाँ रहते हैं हम लोग बस। और दूसरा जैसी बात, सीसीटीवी वगैरह अगर चेक होता तो कुछ ना कुछ निकलता सुराग प्रशासन की। अच्छा, सीसीटीवी वगैरह कुछ चेक करी प्रशासन आस पड़ोस के आसपास के जो जो कॉलेज के पास में जहाँ एग्जाम देने गई थी वहाँ कुछ सीसीटीवी से कुछ क्लू नहीं मिला आपको कैमरा से? प्रशासन लापरवाही बरती है इस मामले में, बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की, सच बात तो यही है कि 8 महीना हो गया और जो है आप बैठिए हम निकलते हैं ना, आप परेशान नहीं होइएगा और हम सब आए।